Good morning dear students. In this video I will do exercise for class 3 from Viva Real English lesson number 3 lesson number 4 Veeam and the Buffalo. I will do section A, which is comprehension, and I will do try to do say A1 and A2. So let us start. Open your book and see page number 18 and 19. Dear students, हम क्लास थ्री का वीवा का रियल इंग्लिश का लेसन नंबर 4 का, जो कि वीम एंड बफेलो है, उसका एक्सरसाइज करेंगे. सेक्शन ए है कम्प्रीहेंशन, उसका A1 और A2 को आज हम लोग बनाएंगे. तो आप लोग बुक खोलें और कॉपी भी रखें साथ में और देखिए. फर्स्ट पहला है A1 है, सेक्शन ए है कम्प्रीहेंशन. इसमें A1 है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, क्रॉस द फॉल्स वन. क्या कहा जा रहा है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने टिक लगाए, क्रॉस द फॉल्स वन, और जो गलत है उसको क्रॉस कर दे. तो यहां देखिए, ये स्टेटमेंट है वीम नेवर थॉट अबाउट गॉड. वीम ईश्वर के बारे में कभी नहीं सोचता था, मतलब ईश्वर को नहीं मानता था, गॉड को नहीं मानता था. ऐसा तो नहीं था ही वॉज थैंकफुल फॉर गॉड, ही वॉज थैंकफुल ऑफ गॉड फॉर वॉट गॉड हैड गिवन टू देम, वॉट गॉड गिवन टू हिम. वो तो भीम तो गॉड का थैंकफुल था कि उसने उससे इतना कुछ दिया. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपका रॉन्ग है. तो इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है, हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है. उसके बाद सेकंड है, द बफेलो वॉज ए लॉयल एनिमल. बफेलो क्या था, लॉयल एनिमल था, बहुत दिनों से भीम को सर्विस दिया था, लेकिन जरूरत पड़ी थी तो बेचने के लिए निकल गया था, बेचना चाह रहा था. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है. तो हम क्या करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट है तो हम टिक कर देंगे. उसके बाद थर्ड है, द हॉर्स वॉज ब्लाइंड इन वन आई. हॉर्स एक आंख से अंधा था, इट इज रॉन्ग. सही क्या है कि हॉर्स वॉज लेम. हॉर्स क्या था, वो लंगड़ा था, जबकि यहां कहा जा रहा है कि एक आंख से अंधा था. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हम इसमें क्रॉस कर देंगे. उसके बाद फोर्थ है, वीम्स वाइफ डिड नॉट गेट एंग्री विद वीम आफ्टर ही लॉस्ट द बफेलो. वीम की वाइफ, वीम की पत्नी, उससे वीम से नाराज नहीं हुई एंड गुस्सा नहीं हुई जब वो अपने भैंस को, अपने बफेलो को गवा दिया. ये सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे. उसके बाद A2 है, मैच ईच एनिमल विद व्हाट इट वाज एक्सचेंज्ड फॉर. सारे एनिमल को मैच कीजिए कि उसके बदले में क्या बदला गया, उसके बदले में क्या लिया गया, क्या दिया गया, इस तरह का है. तो देखिए, बफेलो के बदले में क्या मिला था, बफेलो के बदले में क्या एक्सचेंज किया था, हॉर्स. तो हम बफेलो को हॉर्स से मैच कर देंगे. उसके बाद है काऊ. काऊ के बदले में भीम क्या लिया था, काऊ के बदले में भीम क्या लिया था, काऊ के बदले में भीम लिया था गोट. तो हम क्या करेंगे, काऊ को गोट से मैच कर देंगे. उसके बाद है हेन. हेन के बदले में भीम ने क्या लिया था, हेन को कुछ पैसे में बेच दिया था. तो क्या होगा, ए फ्यू रूपीज, हेन को हम मैच करेंगे ए फ्यू रूपीज से. उसके बाद है हॉर्स. हॉर्स के बदले में वीम ने क्या एक्सचेंज किया था, काऊ लिया था, हॉर्स के बदले में काऊ लिया था. तो इसे हम हॉर्स को काऊ से मैच कर देंगे. और गोट,
अब गोट है, गोट के बदले में भीम ने क्या लिया था, हेन लिया था, तो गोट को हम हेन से मैच करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ए वन और ए टू है जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसे आप लोग देख लीजिए। और आज का वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, कल के वीडियो में इससे आगे हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।